मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूबी नेगी और वक्त हो चुका है मिड डे न्यूज का। और मिड्डे की सबसे ताज़ा खबर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर आ रही है, जहां सरकार ने जमीन आवंटित किए जाने की शर्तों के उल्लंघन के कारण सेंट्रल दिल्ली स्थित हेराल्ड हाउस बिल्डिंग को अटैच करने का फैसला किया है। यह बिल्डिंग कांग्रेस पार्टी के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड से संबंधित है। आपको बता दें कि यह प्लॉट नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रिंटिंग के लिए आवंटित किया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग के लिए नहीं हुआ है। और मिड डे की अगली ताज़ा खबर सीबीआई विवाद मामले को लेकर आ रही है, जहां सीबीआई विवाद के बीच जबरन छुट्टी पर भेजे गए विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना और डीएसपी देवेंद्र कुमार की पटीशन पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। इससे पहले अदालत ने इस मामले में सीबीआई के विशेष डायरेक्टर राकेश अस्थाना की गिरफ्तारी पर 1 नवम्बर तक रोक लगा दिया था। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर मोदी जैकेट को लेकर आ रही है, जहां दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैकेट की तारीफ करने को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून के पीएम मोदी की जैकेट की तारीफ करने के बाद पीएम ने उन्हें जैकेट भेजे थे, जिसको लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया के जरिए सवाल किया है कि अभी तक तो यह उन्होंने नेहरू जैकेट थी, अब मोदी के नाम की कब से हो गई। और मिड डे की अगली ताज़ा खबर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर आ रही है, जहां बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर कहा कि उनकी ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि उनके शासनकाल के दौरान हुए घोटाले नहीं होने चाहिए थे। आपको बता दें कि हाल ही में अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह पर आधारित अपनी नई फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की शूटिंग पूरी की है। और मिड डे की अगली ताज़ा खबर गौतम गंभीर को लेकर आ रही है, जहां राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण सहित अन्य समस्याओं को लेकर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने आम आदमी पार्टी पर शायराना अंदाज में जनता से झूठे वादे करने के आरोप लगाते हुए कहा, दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल्ली में जगाया आपने, पहले तो यहां ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन भगाया भी आपने। इसके साथ ही गंभीर ने कहा कि केजरीवाल सरकार के पास डेंगू पर काबू पाने के लिए 1 साल था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया, अब तो जाग जाइए। और मिड डे की अगली ताज़ा खबर राम मंदिर मामले को लेकर आ रही है, जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने राम मंदिर के समर्थन बयान में बयान देते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान की राम जन्म भूमि है और यहां मंदिर ही बनना चाहिए। हालांकि उन्होंने राजनीति से बचने के लिए यह भी कहा कि वह भगवान राम के साथ है, ना कि भाजपा के। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर सर्वोच्च न्यायालय से आ रही है, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने आम्रपाली बिल्डर्स के निदेशकों के घर जाने की याचिका को ठुकराते हुए कहा है कि आप उन 46 लाख होम बायर्स के बारे में सोचो, उनकी दिवाली कैसे बीतेगी जिन्हें आपने लूटा है, आपकी तो हर दिन दिवाली होती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आम्रपाली के 3 डायरेक्टर्स को नोएडा के होटल में पुलिस सर्विलांस में रखा गया है। और मिड्डे की अगली ताज़ा खबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आ रही है, जहां दिवाली के ठीक पहले नकदी की मांग को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज प्रतिभूतियों की खरीद के लिए 12,000 करोड़ रुपए डालेगा। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले सप्ताह आरबीआई ने प्रणाली में कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपए डालने की घोषणा की थी। और मिड डे की अगली ताज़ा खबर भारतीय रेलवे को लेकर आ रही है, जहां भारतीय रेलवे ने जनरल टिकट के लिए लगने वाली लंबी लाइनों से यात्रियों को निजात दिलाने के लिए आज से ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। आपको बता दें कि रेलवे ने पूरे देश में यूटीएस मोबाइल ऐप की शुरुआत की है, जिसके जरिए अब घर बैठे जनरल टिकट भी बुक किया जा सकेगा। और मिड डे की अगली ताज़ा खबर बीसीसीआई को लेकर आ रही है, जहां ऑस्ट्रेलिया के दौरे के दौरान टीम इंडिया के फूड मेन्यू को लेकर बीसीसीआई ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से इसकी सिफारिश करते हुए मांग की है कि उनके फूड मेन्यू में बीफ को शामिल न किया जाए। बीसीसीआई चाहती है कि इस बात को बीसीसीआई और सीए के बीच एमओयू में भी शामिल किया जाए। आपको बता दें कि नवंबर में टीम इंडिया 2 हफ्ते के लिए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जा रही है। तो ये थी मिड डे न्यूज की कुछ ताज़ा खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके ऐसी ही खबरों से अपडेट।